शहर के हुट्टी बाजार में मंगलवार को शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर कर्मचारी यूनियन व अन्य संगठनों के लोगों ने शहीदों को नमन किया। मौके पर अशोक सिंह और दामोदर गोप के नेतृत्व में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तीनों वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान अशोक सिंह ने कहा कि देश के इन तीनों महापुरुषों ने युवा अवस्था में ही अपने प्राणों की आहुति देकर देश की स्वतंत्रता में अपना अहम योगदान दिया। कहा कि आज के युवा पीढ़ी को तीनों महापुरुषों के बलिदान से प्रेरणा लेने की जरूरत है। मौके पर अशोक कुमार सिंह, दामोदर गोप के अलावे विश्व बंधु देवकृष्ण मिश्रा, अरविंद पांडे, हल्दर राय, नकेल कुमार समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। आजम के शहीद अस्थि पर हम लोग यहाँ सभी उपस्थित है और हम लोगों ने यह माना है कि जो मूल क्रांतिकारी भावना शहीद भगत सिंह का था, उसे आने वाले पीढ़ी में कुछ भटकाव हुआ है, जिसके चलते जो उन्होंने कहा था कि गोरे अंग्रेज जाएंगे लेकिन इसके बाद काले अंग्रेज जाएंगे और वह आम जनता पर दमन चक्र चलाएंगे, ठीक वही हो रहा है। चाहे वह किसानों का बिल हो, चाहे मजदूरों का खात्मा हो, चाहे निजीकरण का मामला हो, यह सारे मामले को लाकर ये काले अंग्रेज भारत की आम आवाम की जिंदगी को दुभर करना चाहता है। आज हम लोगों ने संकल्प लिया है शहीद भगत आजम के प्रतिमा के सामने कि किसी भी परिस्थिति में इसको हम लोग सफल होने नहीं देंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में जो हमारी बैठक है 26 तारीख को बनियाडी में, हम लोग तमाम लोग 11 बजे वहां भी पहुंचेंगे और निश्चित तौर पर उस आंदोलन में हम लोगों ने समर्थन दिया है, क्योंकि वह भी एक काले अंग्रेजों का एक हिस्सा है दमन चक्र चलाने का। किसान जो है इस देश का मूल अंग है और उस पर हमला कर तमाम पीढ़ी को यह दर बदर करना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।